हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए यहाँ पर से डब्ल्यू से सी गया है तो क्या किया गया है, तो +6 किया गया है। सी से अगर आई देखते हैं तो इसे में भी +6 किया गया है, और आई से +6 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। ओ से यू गया है, ये भी +6 है। अब जी से देखिए सी गया है तो ये कितने हैं, तो -4 है, इसमें से घट रहा है। सी से बाई गया, ये भी -4 से घट रहा है, तो बाई से -4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। हमारे पास दो तो आ गया, ओ और यू, इसी से हमें आंसर मिल रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, अगर भी से बी जाता है तो +6 का है, और जे से पी गया है वो भी +6 का सीरीज चल रहा है। यानी हमारे पास जो सीरीज चल रहा था +6 का चल रहा था, -4 का चल रहा था, +6 और +6 का, आंसर सी आया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए यहाँ देखते हैं, 13 से 17 गया है तो ये क्या है, +4 है। 17 से 21 गया है, +4 है। 21 से 25 है, +4 है। और यहाँ पर जो आएगा +4 वो कितना होगा, ये 29 होगा। यहाँ देखिए 4 से 8 गया है, गुना 2 किया गया है। 8 से 16 है, गुना 2 किया गया है। 16 से अब कौन आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, तो गुना 2 किया जाएगा, तो ये होगा 32। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी 32। एक निश्चित कूट भाषा में फादर को इस तरह लिखा जाता है, सिस्टर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अंकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए एफ से क्या किया है, +3 किया है तो आई लिखा हुआ है। उसी तरह ए से एफ गया है तो कितना गया है, +5 किया है तो एफ मिला है। टी से +3 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। आई एस से +5 करेंगे तो क्या मिलेगा, एम मिलेगा। यानी हमारे पास जो देख रहे सीरीज चल रहा है +3 +5 +3 +5 इस तरह के सीरीज करके फादर को इस तरह, और सिस्टर में जब शुरू किया है तो किससे शुरू किया है, एस से भी गया है यानी ये +3 किया है। आई से एन गया है, +5 किया है, और किससे गया है, तो एस से +3 करेंगे तो फिर भी जाए, यानी इसमें चला है +3 +5 +3 +5। यहाँ देखिए कि जो लास्ट हमारे पास होता है आर से डब्ल्यू गया है, इसमें +5 है तो ये शुरू हुआ है -3 में, और सिस्टर में देखेंगे आर से +5 किया है तो क्या आया है, डब्ल्यू आया है। ये लास्ट वाला देखते हैं तो ये डब्ल्यू आया है, तो ये शुरू होगा किससे, +3 से होगा। तो +3 से अगर शुरू करते हैं तो यू का +3 हो जाएगा एक्स, और एन का +5 हो जाएगा एस, सी का +3 हो जाएगा एफ, एल का +5 हो जाएगा क्यू, और ई का +3 हो जाएगा कौन सा, एच। आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो है सी। चलिए अर्जेंटीना पेसो जापान, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए येन। जिस प्रकार अर्जेंटीना का मुद्रा का नाम पेसो है ठीक उसी प्रकार जापान के मुद्रा का नाम क्या है, येन है। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा और भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो अगर हम इस समीकरण को प्रश्नानुसार स्थापित करेंगे तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, तो आइए देखते हैं 108 इसे देखते हैं, 108 -3 गुना 36 भागा 6 +15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 105 आ जाएगा, तो हमारा ये सही है, आंसर जो हो जाएगा वो सी है। 50 kg वजन वाले कोई लड़का 10 सेकेंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, उसकी क्षमता ज्ञात करें, जहां जी का मान आपको रखना होगा 10 m/s². तो पावर बराबर क्षमता बराबर क्या होता है, तो वो होता है स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बटा टी यानी समय होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं mgh/t। अब आइए यहां पर मान रख देते हैं, m का मान कितना हो गया, तो m का मान हो जाएगा 50, जी का मान हो जाएगा 10, और एच का कह रहा है कि 40 सीढ़ी चढ़ा है और एक सीढ़ी की ऊँचाई कितना है 16, तो 40 × 16 हो जाएगा सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदल देंगे तो 10^-2 अब बेटा टी कितना है 10 सेकेंड है, जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 320 वाट। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, तो वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में किया जाता है, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, गलत है। सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहते हैं।
और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट घरेलू उद्देश्य के लिए सफाई एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड में एक घटक है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर बनाने के प्रयोग में किया जाता है, इसलिए कथन गलत है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड के घटक है, सोडियम कार्बोनेट घरेलू उद्देश्य में आप बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ये सब जो है सही है। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक व्यस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1 से 1.5 लीटर। कितना, 1 से 1.5 लीटर। मनुष्य का जो मूत्र है वो पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। मूत्र का रंग पीला हीमोग्लोबिन के अपघटन से बने यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है और इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होता है। इसका अपेक्षित घनत्व जल से थोड़ा अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सरल लोला का आवर्तकाल टी है तो चंद्रमा पर क्या होगा। अगर पृथ्वी पर सरल लोला का आवर्त टी है तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो सरल लोला पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है, टी बराबर 2π√LYg। अब जब चंद्रमा पर T1 देखेंगे तो 2π L और जी का मान क्या हो जाता है, g/6 हो जाता है चंद्रमा पर। जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, √6 × 2π√LYg। जो g/6 है 6 ऊपर चला गया, रूट बाहर आ गया तो वही लिखा हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा √6 × t। यानी चंद्रमा का पर आवर्तकाल का मान गुरुत्वीय त्वरण के कम होने के कारण बढ़ जाता है तथा घड़ी सुस्त हो जाती है। सरल लोला का आवर्तकाल द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए और इस अभिक्रिया के उत्पाद पी का पूर्वानुमान कीजिए। CO+2H2 क्या बनेगा, तो CO+2H2 बनेगा CH3OH। यहाँ उत्पाद जो है वो मेथनॉल है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मेथनॉल को मिथाइल एल्कोहल या वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF विधि में शिशुओं का जन्म निम्न से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF विधि में शिशुओं का जन्म शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन द्वारा होता है। बाह्य निषेचन की प्रक्रिया में टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन कराकर जायगोट या भ्रूण निर्मित कराए जाते हैं और पुनः इस भ्रूण को प्रतिस्थापन गर्भाशय में होता है। इससे लाभ क्या है, टेस्ट ट्यूब विभेदक के अपरिष्कृत बांझपन समाप्त हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब बंद होने पर भी गर्भधारण संभव होता है और वृद्ध रोगी के भी बच्चे संभव होता है। पुरुष बांझपन को दूर करना संभव हुआ है और प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है लुइस ब्राउन है, जिसका जन्म कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था। कौन सा लक्षण लिंग संलग्न यानी सेक्स इनहेरिटेंस है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाल हरी वर्णदांता अथवा हीमोफीलिया। लिंग संलग्न रोग लाल हरी वर्णदांता एवं हीमोफीलिया है। लाल हरे रंग की दृष्टि वर्णदांता में बाधित हो जाती है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोग्लोबिन रक्त में O2 परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये दोनों स्टेटमेंट है जो सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव जो होता है H बराबर कितना होता है I²RT पर कार्य करता है। यह लेड यानी PB और टीन SN का बना होता है। यह सर्किट में अधिक विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। अगला है, 3^-1 × 6^-1 / 3^-1 को सरल किया है। जब इसे सिंपल फॉर्म में और लिखेंगे तो 1/3 × 1/6 हो जाएगा k^-1/1/3। जब इसे हल करेंगे तो ये कितना, 6 × 18 ये -1 में तो ये 18 हो जाएगा। अब भागा 1/3 हो जाएगा यानी 18 × 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस फार्मूला पे ये किए थे, 1^(m − m) होता है 1/(m) से। निम्न दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण। इसमें सर्वाधिक किसका है, 7 बार हुआ है, तो किसका अंक है, 40। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 40। बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण = 40। द्विघात समीकरण 9x²+2x² = 5 के विविक्तकर का मान कितना होगा है? ये मान डी का मान खोज रहा है। तो इसे और सिंपल फॉर्म में अगर लिखेंगे 9x² + 2x² को, तो 2x² + 9x − 5 = 0।
डी बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी के जगह पर 9 है, 9 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना माइनस 5 यानी हो जाएगा 81 प्लस 40 बराबर 121। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए 121। निम्नांकित लाइन ग्राफ में कंपनी ए के द्वारा दिए गए वर्षों के दौरान बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंपनी ए द्वारा 2015 और 2017 में मिलाकर बेची गई कुल कारों तथा 2019 और 2021 में मिलाकर बेची गई कुल कारों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। यहाँ पर अभीष्ट अनुपात बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अभीष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा 15 प्लस 30 बटा 35 प्लस 40। तो आंसर हो जाएगा 45 बटा 75 यानी 3 बटा 5 यानी 3:5। आंसर जो होगा डी। निम्नांकित बार चार्ट 2014-19 तक दो समर कैंपों ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2014-19 तक समर कैंप ए और बी के नामांकित छात्रों की संख्या ये है। तो 2014-16 और 17 में कैंप ए में नामांकित छात्रों का और 2015-18-19 में कैंप बी में नामांकित छात्रों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 2014-16-17 में ए में कितना छात्र हैं, तो 160 प्लस 140 प्लस 220 बराबर हमारे पास आ जाता है 520। और 2015-18-19 में कैंप बी में नामांकित छात्र कितना है, तो वो है 240 प्लस 200 प्लस 280 बराबर ये है 720। अनुपात अगर हम निकालेंगे दोनों के तो हो जाएगा 520 बटा 720 यानी 13:1 जो है वो 18। आंसर होगा ऑप्शन ए। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 11वीं शताब्दी में। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। भोजताल झील को ऊपरी झील या बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका निर्माण कोलन नदी पर किया गया है। और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था, तो 1956 में बनाया गया था। हाल ही में पूर्वी भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाया गया है। भारत का पहले भारत मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस कब चला था, तो ये चला था 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से दिल्ली के बीच में। और वंदे भारत एक्सप्रेस को ही नाम है क्या, ट्रेन 80 सेमी हाई स्पीड और बिना इंजन की ट्रेन। नेक्स्ट है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, अब पी बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो हमें इसे देखते हुए इसको हल करना है, सी ए के किस प्रकार संबंधित है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। चलिए आइए सोल्व करते हैं। ए डॉलर बी है यानी कह रहा है ए बी की माता है, ए जो है वो किसकी माता है, बी की माता है। अब कह रहा है बी बराबर सी है यानी बी सी का पिता है, बी जो है वो क्या है सी का पिता है, और यहाँ पर जो ये था वो क्या थे माता थे। अब उसके बाद कह रहा सी एंड डी, सी एंड डी में क्या संबंध है, तो सी डी की माता है, सी जो है सी एंड डी में क्या संबंध है, तो यहाँ पर देख लीजिए सी डी की बहन है, क्या हो जाएगा सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है। संबंध सी और ए में किस प्रकार रिलेशन है, सी और ए में किस प्रकार रिलेशन है, तो दादी और पोती का। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी पोती। पूछ रहा है सी ए से किस प्रकार रिलेटेड है, ए से किस प्रकार, तो हो जाएगा पोती। तीन कथन दिए गए हैं उस पर निष्कर्ष है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है सभी पेड़ दीवार है, जो सभी पेड़ है ये मान लीजिए पेड़ है वो कह रहा है क्या, तो ये दीवार है, सभी पेड़ जो है वो दीवार है। उसके बाद कह रहा है कि कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, कोई भी दीवार है जो दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, कुछ दरवाज़ा जो है वो कमरा है, कुछ दरवाज़ा जो है कमरा है, ये कमरा है। इस तरह के हमारे पास एक निकल के आ गया। एक और भी निकल के आ सकता है कि ये अगर हम इसे पेड़ मानते हैं, क्या मानते हैं, इसे पेड़ मानते हैं, और ये हो गया दीवार, ये हो गया दीवार। उसके बाद कह रहा है कि कोई दीवार दरवाज़ा नहीं है, कोई भी दीवार जो है वो दरवाज़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर से कर देते हैं दरवाज़ा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ दरवाज़ा जो है वो कमरा है, कुछ दरवाज़ा जो है कमरा है,
तो इन दोनों में इस तरह के भी तो रिलेशन हो सकता है। यहाँ पर यह हो जाएगा कमरा है, तो इससे होता है कि कुछ कमरा दीवार है गलत है, कोई पेड़ दरवाज़ा नहीं है सही है, सभी दीवार पेड़ है गलत है। तो इससे निकलता है केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो अनुसरण करता है, केवल एक चित्र के आधार पर कभी भी निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से सत्य नहीं होता है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सी ही, केवल निष्कर्ष जो है वो सेकेंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मेरी सुसान के बाईं ओर है, मेरी जो है वो सुसान के बाईं ओर है। तो अगर मेरी यहाँ पर अगर हम मेरी देते हैं तो कहीं पर तो जो होगा वो क्या होगा, सुसान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी यहाँ पर क्या है, सुसान है। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है एलिस सुसान और प्रिया के ठीक बगल में है। एलिस जो है, एलिस है उस सुसान और किसके, प्रिया के ठीक बगल में है, प्रिया के ठीक बगल में है। उसके बाद है रिया प्रिया के दाएं ओर तीसरे स्थान पे है। रिया जो है, रिया जो है वो कहाँ है, तो वो है प्रिया के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर एक जॉन होगा, एक मैरी होगा, उसके बाद रिया होगा, तो एक जो बच रहा है वो कौन है, वो है जॉन। जॉन रिया के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रिया सुशासन के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठी, इनमें से कौन सा मेरी और सुशान के ठीक बगल में बैठा हुआ है, मेरी और सुशान के बगल में तो बैठा कौन है, तो वो है रिया। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाजाएगा, ए हो जाएगा। दिया गया वेन आरेख निम्नलिखित समूहों में किसे सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, तो अगर मान लिया कि यह सप्ताह की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कौन सा, महीने का, महीने के अंदर ही सप्ताह होता है, और महीने किसके अंदर होता है, तो साल के। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के संदर्भ में के एल और एम कोषों का क्रम क्या है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एम ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन के होता है। अगर किसी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2n स्क्वायर होता है। अगर n बराबर हम 1 रखते हैं तो k होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा। n बराबर 2 रखते हैं तो l होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगा। n बराबर जो है 3 रखेंगे तो ये m हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। n बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो ये n हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 32 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य की तुलना में खाली स्थान होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग खाली स्थान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तुलना में बड़े होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होता है। फिर भी प्रकाश के प्रकीर्णन बराबर प्रकाश का प्रकीर्णन जिसे एस से डिनोट कर एस प्रोपोर्शनल टू होता है 1/ तरंग दैर्घ्य, क्या होता है 1/ तरंग दैर्घ्य के पावर 4। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो वह उसमें विद्यमान कणों से टकराती है। इस घटना के कारण कुछ प्रकाश की किरणें अवशोषित हो जाती है जबकि कुछ विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण है समुद्र का रंग नीला होना, आसमान का रंग नीला होना, सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग प्रकीर्णन के कारण होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बायोटिन तथा पेंटाथोनिक अम्ल किस श्रेणी में आते हैं, आंसर हो जाएगा ए, विटामिन बी समूह में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो अब चयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, यह कथन जो है वो सत्य है। चयन में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन का जो होता है त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, विद्युत धनात्मक तत्वों की संख्या बढ़ती है और विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में कमी आती है। लेकिन अगर अपचयन है, ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है और तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एसी जनित कार्यकारी सिद्धांत फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइट्रो
कैंडिया में होता है। कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होना तथा CO2 का बनना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा की अगर बात करते हैं तो फार्मूला जो होता है NaOH होता है। बेकिंग सोडा की फार्मूला होता है NaSCO3 होता है, और धोबन सोडा के होता है Na2CO3। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबता 5.0 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तल दर्पण में जो होगा U बराबर क्या होगा, निगेटिव, F बराबर होगा पॉजिटिव, और प्रतिबिंब की दूरी V बराबर होगा पॉजिटिव। तो दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर क्या होता है, 1/F। 1/V बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। आइए मान रख देते हैं 1/15 माइनस माइनस 1/20 बराबर 4 प्लस 3/60। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा V बराबर प्रतिबिंब की दूरी 60/7 हो जाएगा। तो आंसर होगा कितना, प्लस 8.6 सेंटीमीटर दूरी। उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा वाला भाग होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। यदि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 10 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? अब सूत्र से हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 5 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे ab माइनस bc माइनस ac, ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर कितना है, तो 10 है, प्लस 2 × 10 करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 20 बराबर 5। आंसर जो हमारे पास है वो ए हो जाएगा। अगला है, ए बराबर 60 डिग्री है तो 8 कॉस ए प्लस 7 सेक ए माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 10 साइन ए बाई 2 का मान क्या हो जाएगा? आइए यहाँ पर करते हैं, मान रखते हैं 8 कॉस 60 डिग्री प्लस 7 सेक 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री बटा हो जाएगा 10 साइन 60/2 है तो यानी साइन 30 डिग्री। जब सबको मान रखेंगे तो 8 × 1/2 प्लस 7 × 2 माइनस 3 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 10 × 1/2। जब इसे सोल्व करिएगा तो 4 + 14 माइनस 3/5 यानी सीधे 3 आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। एम एक कार्य को 12 दिनों में एन 24 दिनों में पूरा करता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले जो है एम काम छोड़ देता है। कुल कार्य का पूरा करने में कितने दिनों की संख्या लगे, कितने दिनों की संख्या लगा तो ज्ञात करना है। एम बराबर जो हमारे पास है 12 और एन जो है 24 है, दोनों का LCM लेंगे 24 हो जाएगा। इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है। माना कार्य पूरा होने में लगेगा कितना, x दिन तो लगा। प्रश्न में कह रहा है कि m जो है x माइनस 6 दिन ही किया क्योंकि वो 6 दिन पहले छोड़ दिया, और प्लस n कितना दिन करा तो वो x दिन करा, टोटल कितना हुआ 24 दिन लगा। यानी 2 × इसका कार्य है x माइनस 6 प्लस इसका n का जो क्षमता है वो 1 है, 1 × x बराबर 24। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 12 प्लस x बराबर 24, 3x बराबर हो जाएगा 12 इधर चला जाएगा तो ये 36, x बराबर हो जाएगा 36/3 यानी 12 दिन। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 दिन। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अभीष्ट लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा 25 माइनस 12 माइनस 25 गुना 12 बटा 100 यानी 13 माइनस 3 बटा कितना हो जाएगा 10%। आंसर आएगा कितना, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। नेक्स्ट है, x बाई के अनुक्रमानुपाती है और बाई बराबर 8 होने पर x 10 है तो बाई बराबर 36 होने पर x का मान क्या हो जाएगा? x जो है प्रोपोर्शनल टू बाई है यानी x बराबर जो हो जाएगा k/y। x अगर 10 है तो k × 8 हो जाएगा, जब x 10 है तो बाई 8 हो जा रहा है तो k का मान कितना आ गया, तो 10/8 आ गया यानी 5/4 है।
अब कह रहा है एक्स बराबर के वाई तो था कि ए का मान कितना है 5/4। अब वाई का मान अगर 36 होता है तो एक्स का मान कितना आ जा रहा है, तो जब इसे करेंगे तो 45। आंसर होगा ऑप्शन ए। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे, आंसर होगा ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रोन, और ये कहाँ के हैं तो फ्रांस के राष्ट्रपति है, कहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता में स्थित है, और ईडन गार्डन की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ईडन गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ईडन गार्डन पर पहला टेस्ट मैच 1934 ईस्वी में इंग्लैंड और भारत के बीच में खेला गया था, और यहीं पे लक्ष्मण ने बीवीएस लक्ष्मण ने ईडन गार्डन पे 281 रन का पारी खेला था 2001 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें बताना है कि कितने त्रिभुज है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 त्रिभुज है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, इसका जो सही होगा पहले भूमिका का निर्धारण होगा, अभिनय होगा, फिल्म की शूटिंग होगी, संपादन होगा, उसके बाद फाइनल फिल्म्स बनेगा, आंसर होगा वो होगा ए। यदि दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब को चयन करें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, इसका भी सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अगर डी को रखते हैं तो ये आंसर सही आएगा। अगला है रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी है, हमारे पास जो रानी है वो की कहते हैं पीयूष की बहन है, पीयूष की बहन है और क्या है तो वो कमल की बेटी है, यहाँ से हो जाएगा कमल की बेटी है, कमल की बेटी है। उसके बाद कह रहा है कि कमल जो है गौरव का बेटा है, कमल जो है किसका बेटा है तो गौरव का बेटा है, और आर्यन का भाई है, किसका भाई है कमल, आर्यन का भाई है, आर्यन रजनीश का पिता है, आर्यन जो है वो किसका पिता है तो कोई रजनीश है उसका पिता है, रजनीश है उसका जो है ये पिता है, आर्यन का पीयूष से, आर्यन रजनीश का पिता है, आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है, तो हमें बताना है कि आर्यन को ये पिता है क्या संबंध है, और ये जो पीयूष और आर्यन का क्या हो सकता है तो ये होगा चाचा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेडल ने निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण खोज की, सही जवाब हो जाएगा डी यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। निम्न में सबसे छोटा आयन कौन है, सबसे छोटा आयन कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Si4+। इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखना है, Na+ में 10 हो जाएगा, Al3+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 10 ही है लेकिन इसमें प्रोटॉनों की संख्या 13 हो जाएगा, Mg2+ में प्रोटॉनों की संख्या 12 हो जाएगा, और Si4+ में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 14 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो सबसे कह रहा है क्या है कि सबसे छोटा आयन कौन है, तो आंसर हो जाएगा डी। जिस सम इलेक्ट्रॉनिक्स आयनों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितना अधिक होगा उसका आकार उतना ही कम होगा, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या कम उसका आकार उतना ही बड़ा होगा, इसमें Na का आकार सबसे बड़ा तथा Si4 का सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित करता है, यदि वह किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो फोकस दूरी F जो दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, U दिया हुआ है -20 है, तो दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V+1/U होगा, यानी 1/-10 बराबर 1/V+1/-20, तो 1/V बराबर 1/20-1/10 यानी -20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर के दूरी पे बनेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुनर्जनन। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, संघ इकाइनोमेट्रा के जीव स्टारफिश हैं और प्लेनेरिया संघ के प्लेटी हेलमिंथिस के जीव हैं, हाइड्रा निडेरिया संघ के जीव हैं। निडेरिया संघ के जीव अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगिक प्रजनन युग्मों द्वारा करते हैं, प्लेनेरिया स्वतंत्र जीवी प्राणी हैं। 48.176×10^24 ऑक्सीजन अणु O2 को मोल में परिवर्तित करें,
तो यहाँ पर इतने को ऑक्सीजन अणु को मोल में अगर करेंगे तो किस तरह करते हैं, ये देखते हैं। मोलों की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 48.176 × 10^24, और आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 6.022 × 10^23। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 80। यही हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण का उपयोग किस में किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन में। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण का उपयोग प्रोटीन का पता लगाने एवं परीक्षण में किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण में प्रोटोनों के आकार के अनुसार जेल द्वारा इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के माध्यम से अलग किया जाता है। अगला है, इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं, उष्ण रक्त वाले, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी। पक्षी जो है समतापी प्राणी है। पक्षी के हृदय में 4 कक्षीय होता है। पक्षी संघ के 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले दो पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यू गिनी के केसोबरी विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी है, और संसार का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा पक्षी शुतुरमुर्ग एवं हमिंगबर्ड है। यानी सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा हमिंगबर्ड है। शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है। अगला है, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति 20 हर्ट्ज है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। 20,000 से 20 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति को प्रश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, प्रश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। अब 20 हर्ट्ज से कम के आवृत्ति के ध्वनि के तरंग को अपश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, और 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि तरंग को प्रश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। प्रश्रव्य ध्वनि तरंग को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है, जबकि अपश्रव्य ध्वनि गैंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी तथा व्हेल आदि सुन सकते हैं। अगला है, यदि एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी हो जाती है और चौड़ाई में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 23 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। मूल आयत का परिमाप ज्ञात करना है, यानी हमारे पास जो कह रहा है कि L+4 इंटू B-2 हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है, उसमें से माइनस और ये LV घटा देंगे, क्योंकि यही क्षेत्रफल था, अभी ये क्षेत्रफल है, इसमें से माइनस घटाएं तो 2 हो जा रहा है। तो यानी इसे सोल्व करेंगे, LB+4V-2L-8-LV=2, यानी 4V-2L = कितना हो जाएगा, 10। इक्वेशन तो मेरे पास एक आ गया। दूसरा में कह रहा है कि L-3 हो जा रहा है, अब B+5 हो रहा है, उसमें से माइनस LV घटाएंगे तो ये 23 बढ़ जा रहा है। तो इसे सोल्व करेंगे तो LB-3V+5L-LV = 23+15, यानी -3V+5L = 38। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। पहला में 3 से गुना कर दीजिए और दूसरा में 4 से गुना करके जोड़ दीजिए, यानी इक्वेशन पहला में 3 से गुना कीजिए प्लस कर दीजिए इक्वेशन दो में 4 से गुना करके, तो हमारे पास आ जाएगा 14L = 10 × 3 + 38 × 4। L = 182/14, यानी 13। यानी हमारे पास L का मान तो आ गया है, वो क्या आ गया है, 13 आ गया है। अब B का मान कितना आ जाएगा, हमें ये निकालना है, B = 9। मान रख दीजिए एक में। अब मूल आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है, 2 × 13 + 9 हो जाएगा 44 मीटर। आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी आंकड़ों के बहुलक और माध्य क्रमशः जो है वो 24.6 और 20.1 है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो फार्मूला होता है बहुलक, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका - 2 × माध्य होता है। तो माध्यिका बराबर यहाँ से निकल जाएगा, माध्यिका बराबर निकल जाएगा 24.6 + 24.6 प्लस हो जाएगा प्लस 2 × 20.1/3, यानी 64.8/3, यानी 21.6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। अगर मान लिया कि ये त्रिभुज है कौन सा, तो AB और C, ये A है, ये B है, C है, D है, यहाँ से यहाँ तक है, ये D हो जाएगा, E है। AB और AC के मध्य बिंदु और BC = 6 सेंटीमीटर है। यदि DE पैरेलल टू BC है तो DE की लंबाई क्या होगा, तो DE बराबर जो हो जाएगा हाफ BC हो जाएगा, कौन हो जाएगा,
बी सी हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। तो हाफ अब बी सी कितना है 6/3 सेंटीमीटर, आंसर होगा वो होगा बी। राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% प्रति वर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण को साधारण ब्याज के रूप में 48 रुपये का भुगतान किया, परिणाम में उसने कितना धनराशि ऋण के रूप में ली थी। तो मूलधन निकालना है, मूलधन बराबर होगा ब्याज कितना है 4800 रुपया भुगतान किया है गुना 100 बटा समय था कितने 5 साल के लिए और कितने इंटरेस्ट पे 12 वर्ष के लिए, सॉल्व कीजिएगा 8000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि चाय की कीमत में 15% बढ़ जाए तो एक परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्च पहले जैसी बनी रहे। तभीष्ट कमी परसेंट बराबर जो हो जाएगा 15/100+15 × 100 बराबर 13.1/23%, आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा बी। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद को केंद्रीकृत रूप में जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है किस मॉडल पर आधारित है, आंसर हो जाएगा ए कनाडाई मॉडल पे। भारतीय संविधान की जो विशेषता संघवाद का केंद्रीय रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विधायी प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधान भाग 11 और भाग 12 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सोनल मानसी को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिसी के लिए किया गया था। सोनल मानसी को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 में सोनल मानसी पहली भारतीय महिला नर्तकी थी जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर मोहिनीअट्टम की बात करें तो नर्तक है रागिनी देवी, कथक के लक्षू महाराज, सत्रिया के कृष्णाक्षी कश्यप, मणिपुर के झाबेरी बहने और कथकली के मृणाली साराभाई। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न, आइए देखते हैं। सभी पंखे जो है वो हीटर है, अगर ये पंखे हैं तो सभी पंखे क्या हैं तो वो है हीटर है, सभी पंखे जो है वो हीटर है, यहाँ पर ये हो जाएगा हीटर है। अगला है कुछ जो कूलर है वो पंखे हैं, यहाँ पर से कुछ जो कूलर है ये हो जाएगा कूलर जो है, कुछ जो कूलर है वो पंखे हैं, सभी प्योरीफायर जो है वो क्या है कूलर है, यहाँ से हो जाएगा प्योरीफायर। अब निकालिए सभी प्योरीफायर हीटर है, गलत है, कुछ प्योरीफायर हीटर है ये भी गलत है, कुछ हीटर कूलर है बिल्कुल सही है, सभी कूलर हीटर है बिल्कुल गलत, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा बी केवल निष्कर्ष थर्ड है जो अनुसरण करता है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जानवरों को लुप्त प्राय प्रजातियां वाले चिड़ियाघरों को छोड़कर बाकी सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, तर्क पशु मनुष्यों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व के लिए है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हमें लुप्तप्राय प्रजातियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आंसर जो हो जाएगा ए ये दोनों कथन को समर्थन करता है। कथन एवं निष्कर्ष का फिर से प्रश्न है कि यह रिपोर्ट किया गया है कि भारी और अनियमित वर्षा ने कई कृषि फसलों को नष्ट कर दिया है और किसान कर्ज में है, निष्कर्ष किसानों को कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। दूसरा किरानों के सामान और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ जैसे दालों और अनाजों की कीमतें जो है वो बढ़ेगी, और इसका आंसर हो जाएगा सी केवल निष्कर्ष थर्ड है जो पालन करता है। युक्ति एवं उपधारणा है सभी लड़कियां को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, पूर्वधारणा केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता, इसका आंसर जो हो जाएगा सी ना तो एक और ना ही दो निहित है। कथन में इस तरह के एक श्रृंखला दिया हुआ है, निष्कर्ष दो दिया हुआ है, इससे जो तात्पर्य होगा कौन सा होगा तय जी ग्रेटर देन भी बिल्कुल सही होगा, ए लेस देन जे ये भी सही होगा, आंसर है ए एक और दो दोनों सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा सही कथन नहीं है, यहाँ पर नहीं वाला कह रहा है तो यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय में होता है, ये नहीं है, अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ होती है जिन्हें जठर रस स्रावित कहते हैं, जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ जो होते हैं कि जठर रस में 97% से 99% जल तथा कुछ संश्लेषण एवं लवण होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को प्रोटोन प्रोपोप्टीन में और पॉलीपाइड में बदल देता है, पेप्सिन भोजन को प्रोटीन को पेप्टीन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, रेनिन दूध की विलेय प्रोटीन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का अपघटन करता है, ये सब होता है जठर रस में, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
40 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस के संपर्क में संयोजन की शक्ति क्या होगा। यानी हमारे पास कह रहा है कि P1 बराबर जो है उत्तल लेंस के उस 100 बटा हो जाएगा 40 यानी प्लस 2.5 डायोप्टर, अवतल लेंस की P2 बराबर हो जाएगा माइनस 100 बटा F जो क्या है सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा माइनस 100 बटा 25 बराबर माइनस 4D। लेंस की संयोजन की बात करें तो P1 प्लस P2 होता है यानी प्लस 2.5D माइनस 4D, आंसर हो जाएगा माइनस 1.5D। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रथम आयनन ऊर्जा का संबंध CNO एवं SI में कौन सा सत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। किसी तत्व के परमाणु से गैसीय अवस्था की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आइए देखते हैं। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, सही है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कशेरुके होते हैं, ये जो कथन है वो गलत है। कितने होते हैं तो 26 अस्थियाँ होती हैं, बच्चों में 33 होते हैं, खोपड़ी में 29 हड्डी होते हैं। स्तनधारी के भ्रूण अवस्था में अस्थियों का निर्माण मेसोडर्म में होता है। मध्यकर्म में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है, बिल्कुल सही। मानव शरीर में मौजूद एपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया कब होती है, अपघटन अभिक्रिया कब होती है, सही जवाब हो जाएगा सी, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, अपघटन अभिक्रिया होता है। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत प्लग एवं स्विच। वैद्युत जो प्लग एवं स्विच उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग प्रतिरोध तथा समय के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा ग्लोबिन। कौन सा है तो गामा ग्लोबिन है। प्रोटीन्स का जो नामकरण बर्जिलियस एवं मुल्डर ने किया था। प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग 16% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपादन की प्रक्रिया से गुजरता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन उदरपादन की प्रक्रिया से गुजरता है। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रवित हुए सीधे बाष्पीकृत हो जाता है, इस घटना को उदरपादन कहते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल। और किसी द्रव को बाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा, तो औसत चाल बराबर 2V1 × V2 / V1 + V2 होता है, यानी 2×90×40/90+40। आंसर हमारे पास हो जाएगा 55.5/13 किलोमीटर पर घंटा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो बोर्ड मास से हल होगा, उसका मान पूछ रहा है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। यह होगा 10+6+4/3×9+3+5/2 है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है। आंसर जो होगा वो होगा 65/3 होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 प्राप्त होता है, और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। उस संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले तो संख्या निकालना होगा। संख्या बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस जो होता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 42×120+0 यानी 5040। 5040 में हम कितना से भागा देंगे, 41 से भागा देंगे, तो हमें शेषफल कितना आएगा, जब उसे 122 बार में काटेंगे तो हमारे पास शेषफल जो आएगा वो 38 आएगा। कितना आएगा, 38। आंसर होगा ऑप्शन सी। 3, 12, 24 और 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 3, 12, 24 और 36 को क्या है, 36 का LCM निकाल लेंगे। LCM कितना आएगा, 72 आएगा। अब इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कितनी होती है, वो होती है 999, और 999 में भागा देंगे 72 से, तो वो कितने बार में कट जाएगा और कितना शेष बच जाएगा, जब इसे देखेंगे तो 63 शेष बच जा रहा है ये, तब हमारे पास जो 999 है जो शेष बचा है उसे घटा देंगे 63, तो हमारे पास कितना आएगा, 936। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि
एक्स माइनस थ्री वाई में एक्स का गुणांक खाली स्थान है तो उसे तोड़ दीजिए ए माइनस बी के होल क्यू में, एक्स क्यू माइनस सत्ताईस बाई क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर थ्री बाई प्लस थ्री एक्स थ्री बाई के होल स्क्वायर। तो एक्स का गुणांक होगा कौन कौन सा, एक्स का गुणांक होगा थ्री गुना नाइन बाई स्क्वायर बराबर सत्ताईस बाई स्क्वायर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को खाली स्थान श्रेणियों में वर्गीकृत किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए थे। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्म्स एक्ट 1878 के अधिनियम के तहत जो है शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए चित्रों को केवल एक बार उपयोग करके तीन समूह बनाए जा सकते हैं, तो ये समूह कौन कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा ए। यदि शब्द इस तरह के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा अगर दिया हुआ अक्षर ये है, क्या है, एच एम ए डी आई एस टी, इसको करेंगे अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णानुक्रम के ए डी एच आई एम एस टी, तो एस और टी है जो अपरिवर्तित है, आंसर हो जाएगा दो डी। अगला प्रश्न है कि यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे की गेंदों का वजन कितना है, तो कथन क्या होगा, प्रत्येक बॉल का एक चौथाई वजन 5 किलोग्राम, तीन लोहे के बॉल का कुल वजन दो लोहे की बॉल के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक, या तो कथन एक पर्याप्त या दो है। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए समूह में विषम आकृति चुनिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ए। नेक्स्ट प्रश्न, एक घड़ी के शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है तो रात के 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, यानी ये जो है वो 45 डिग्री है वो घूम गया है, तो आंसर जो हमारे पास होगा डी, उत्तर दिशा। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कड़ाही पैन की ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए, यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं कि ऊष्मा क्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2000 जूल है, और डेल थीटा दिया हुआ 8 डिग्री सी, तो ऊष्मा धारिता सी बराबर होता है क्यू बटा डेल थीटा, यानी 2000 बटा 8 यानी 250 जूल पर केल्विन हो जाएगा, आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। इनमें से किस बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, पीएच 4 है, इसमें हाइड्रोजन आयन की जो है सांद्रता उच्चतम होता है। जड़ों की जल अवशोषित कराने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमो जैसी संरचनाएँ क्यों पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। भूकंप के किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस तरंगे, भूकंप की एस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, प्राथमिक तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं तथा भूकंपीय तरंगों से सर्वाधिक तीव्र गति इसी की होती है। निम्न में दुर्बलतम अम्ल कौन सा है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा NO, इसमें से दुर्बल अम्ल कौन है, NO है, जिसमें O की संख्या जितना कम होता है वह उतना ही अधिक दुर्लभ अम्ल होता है। एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर बराबर में ज्ञात कीजिए, तो 90/0.2 कर दीजिए, उसमें से क्या कर दीजिए 18/5 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 1620 किलोमीटर बराबर, आंसर हो जाएगा ए। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85 में युक्त सभी तत्वों की प्रकृति कौन सी है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हैलोजन। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53 और 85 युक्त जो तत्व है वो हैलोजन है, यह 17वें वर्ग का तत्व है, यह अतिक्रियाशील तत्व है, यह लवण उत्पादक होता है। 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, तो बल्ब में प्रवाहित धारा I बराबर जो होता है विद्युत शक्ति P बटा V, यानी 200/220 बराबर 0.91 एम्पियर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ए। निम्न को हल कीजिए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, तो अगर साइन 0 डिग्री का मान 1 है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान 1, तो आंसर जो हमारे पास साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है सॉरी, और साइन 90 का मान, तो सभी का गुना में है, तो आंसर हो जाएगा 0।
एक त्रिभुज में यदि दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो तीसरी भुजा की लंबाई को अगर हम x मानते हैं तो 8 माइनस 5 लेस देन x लेस देन 8 प्लस 5 हो जाएगा, यानी तीन लेस x लेस 13 हो जाएगा। तो अभीष्ट लंबाई जो होगा वो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी जो हमारे पास लंबाई है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 ऑप्शन बी। 5250 की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 9870 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मूलधन जो है वो 5250 है, मिश्रधन जो है वो 9870 है, ब्याज बराबर हमारे पास हो जाएगा 9870 माइनस 5250 यानी 4620, दर कितना है 11%, समय बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4620 गुना 100 बटा 5250 गुना 11 कर दीजिए, आ जाएगा कितना 8 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राम ने प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख में बेचा, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो हमारे पास इसे सॉल्व कर दीजिए किस तरह, 4 लाख पे ये कर रहा है कितने हानि पे, तो कितना 105 में बेचना चाहिए, 105 बटा 100 माइनस 20 यानी 80 पे निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 4 पे कितने सुना 5 गुना 105 बटा 80, ये सॉल्व करके 5,25,000 रुपया आएगा, आंसर हो जाएगा 5,25,000 ए। नेक्स्ट है mx प्लस एन निम्न में से किसका एक गुणनखंड है। तो mx प्लस एन को अगर हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर प्लस 2mx एन प्लस एन स्क्वायर बराबर होगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mnx प्लस एन स्क्वायर, आंसर हो जाए विकल्प सी। चांगलो आदिवासी निर्मित खाली स्थान की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी नागालैंड। चांगलो आदिवासी निर्मित नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, चांगलो निर्मित की सुआ लुआ के नाम से भी जाना जाता है, चांगलो निर्मित पहली बार दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और संप्रति सूचियों से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। यह था रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।